आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही, हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो आएगा तो मोदी। तेलंगाना में भाजपा सांसद डी अरविंद के इस बयान ने सियासी उबाल ला दिया है। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव भी हैं, और ऐसे में बीजेपी सांसद के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोट किसी को भी दो लेकिन जीतेगा मोदी ही। बीजेपी सांसद ने कहा कि बटन कोई भी दबाओ लेकिन वोट कमल को ही जाएगा। उनके इस बयान को लेकर तेलंगाना में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद डी अरविंद कुमार अपने निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा, अगर आप अपना वोट नोटा को देंगे तो मैं जीतूंगा, आप बीआरएस को वोट देंगे तो भी मैं ही जीतूंगा, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो भी बीजेपी जीतेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने दावा किया कि वोट किसी को भी दो आएगा तो मोदी ही। आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही, हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो आएगा तो मोदी। डी अरविंद कुमार के बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। बीआरएस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने बीजेपी सांसद के बयान को लेकर फिर ईवीएम पर निशाना साधा। वहीं बीआरएस ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जांच कराने तक की मांग कर डाली। कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग पर सवाल दाग दिए। कांग्रेस ने लिखा, ईवीएम पर कोई भी बटन दबाइए वोट बीजेपी को ही जाएगा। ये बयान बीजेपी सांसद डी अरविंद का है। खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए ईवीएम हाईजैक कराई जाती है। क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा, ये देश के मतदाताओं का सवाल है। बता दें, इसके अलावा डी अरविंद कुमार के बयान पर बीआरएस नेता के कविता ने बीजेपी पर निशाना साधा। केसीआर की बेटी के कविता ने कहा कि वो भारत के चुनाव आयोग से अरविंद के बयान को गंभीरता से लेने का आग्रह करती है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने कहा कि अशोक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के शोध पत्र ने पहले ही देश में ईवीएम से छेड़छाड़ पर बहस छेड़ दी है। अब सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की इस तरीके की टिप्पणी करने से संदेह पैदा हो गया है। भारत के चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए।